आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे पीवीसी का बॉक्स है जो कि 4 मॉड्यूलर का है। एक हमारा इसमें जो 5 पिन का सॉकेट है और एक 2 पिन का, और एक आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेशन के लिए मैंने इंडिकेटर दिया है जिससे हमें पता चले कि इस बोर्ड में लाइन आया है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो के एंड तक सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको जो है सॉकेट को इसमें फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप 2 पिन भी लगा सकते हो, जगह दिया हुआ है। और अगर आप 5 पिन लगाना चाहते हो तो आपको इसको सिर्फ इस तरह से आप प्लस की मदद से भी कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, ये बहुत बारीक ही रहता है दोस्तों, इसको आप इस तरह से हटा सकते हो। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये देख सकते हो दोस्तों, फिट कर लेता हूँ बोर्ड को। तो चलिए दोस्तों अभी जो है इसका कनेक्शन करते हैं। पैरेलल में कनेक्शन होगा, ये सीरीज में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको इंसुलेटर हटा लेना है और यहाँ पे इस नट को चलिए लूज कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, मैं इसी तरह का कंटेंट वीडियो जो है अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इस नट को टाइट नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो है दोस्तों इसमें जो है चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों को आपस में मैंने एयर कर दिया। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सॉकेट होगा तो उसमें जो है यहाँ पे कनेक्ट करना है। एक और वायर को यहाँ पे चलिए दोस्तों, अब जो है हमारा ये लाइन है, यहाँ पे आप लाइन को किसी में भी रख सकते हो दोस्तों। अगर आप 3 पिन का टॉप लगा रहे हो तो वहां पे आप कर सकते हो।
टू पिन का टॉप में आपका चेंज हो जाता है दोस्तों, उसमें फेज वायर जो न्यूट्रल वायर है वो आपका चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं चेंज हो तो आपको यहाँ पे जो है 3 पिन का जो टॉप है उसको लगाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है कनेक्शन हो गया। चलिए दोस्तों, जो इसमें हमारा जो मेन लाइन का होगा वो यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 पिन का जो है एक वायर ले लिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो है जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये वायर जो है दोस्तों यहाँ पे आपको बोर्ड में जो भी साइड से आप करना चाहते हो, आपका वायर जिधर साइड से भी आया हो तो वहाँ पे आपको एक होल कर लेना, उसके बाद यहाँ पे पास करके फिर इसमें लगाना। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बताने के लिए अभी यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब लाइन में यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा बोर्ड में इंडिकेटर ग्लो कर गया। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल का एडाप्टर है, इसको लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी जो है लाइट ब्लिंक कर गया। चलिए 2 पिन पे भी देख लेते हैं, देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से अपने घर पर बना सकते हो बोर्ड को, एक इंडिकेटर, एक 2 पिन सॉकेट और एक हमारा 5 पिन सॉकेट। तो इसी प्रकार से आप अपने घर पे वायरिंग कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।